से लोगों ने उस समय टीवी पे देखा होगा जब मैं नेताजी को शिलान्यास के लिए बुला करके लाया था। नेताजी का जन्मदिन था, उससे पहले हम लोगों ने फैसला लिया कि यूपी और देश की सबसे बड़ी सड़क का शिलान्यास नेताजी से करवाएंगे। और जब नेताजी शिलान्यास पर आए तो बड़ी संख्या में एक साथ डॉक्टर्स का मिलना बड़ी खुशी की बात है, वो भी चुनाव के समय, क्योंकि एक एक डॉक्टर के पास बड़ी संख्या में मरीज होंगे। इस समय मरीजों की चिंता बात की अपील करूंगा कि जो विकास की गति नेताजी ने दी इस क्षेत्र को और आसपास के लोगों को विकास से जोड़ा है, वो हमारी और आपके कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। ये बीजेपी के लोग बहुत साजिश करते हैं, हम लोगों की सरकार बनी बनी सरकार छीन ली इन्होंने। ये हम लोगों से बहुत होशियार लोग हैं और इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई है, आप लोग बेहतर जानते होंगे, हम लोगों ने कभी लिफाफा नहीं लिया हुआ आपसे, लेकिन इनके संगठन के लोग हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चुपचाप लिफाफा ले आते हैं, चुपचाप मीटिंग भी होती है इन लोगों की। इसलिए उस ताकत से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो लोग घुसते हैं, अगर किसी विचारधारा के लोग और ऐसे विचारधारा के लोग जो नफरत फैलाते हैं, समाज को झगड़ा लगाते हैं, अगर वो संस्था में घुस जाएंगे तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनको लिफाफा दिया जाता है, हर महीने या दो महीने तीन महीने में बैठक होती है, शायद वो बात आप जानते होंगे, कौन लोग आते हैं जो चुपचाप लिफाफा लेके डॉक्टरों से चले जाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और संचालन महोदय का संचालन देख के लगा कि अभी वो डॉक्टर नहीं है, रिटायरमेंट के कारण नहीं पहुंचे, तो शायद एमबीबीएस के दो स्टूडेंट हैं जो अपने जूनियर्स को लगता है रगड़ा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट। मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं उसमें फैकल्टी है ही नहीं, पता नहीं कैसे डॉक्टर बनकर तैयार होंगे, तो वो नस ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, दवा ऐसी दे देंगे हो सकता है इलाज की उसे बाद में जरूरत पड़े। इसलिए जो मेडिकल कॉलेज शुरू हुए थे सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा बनाने का काम नेताजी ने किया था, और केसीयूएम के बाद हम लोगों को लड़कर के गवर्नर से एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करना पड़ा था, वो आपका यही सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।